भारतीय इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी एक खास जगह के लिए 8 ट्रेनें अलग-अलग जगह से रवाना हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया और साथ ही उन्होंने ब्रॉडकी जिलेन का भी उद्घाटन किया। दरअसल ये सारी कवायद गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को दुनिया के पर्यटन लक्ष्य पर लाने के लिए पीएम मोदी ने वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से केवड़िया को जोड़ने के लिए ये ट्रेनें शुरू की गईं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए जो 8 ट्रेनें रवाना हुई उनमें से कई लग्जरी हैं, जिसमें प्लेन जैसी सुविधाएं हैं। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए जो ट्रेनें चलेंगी उसमें विस्टाडोम वाले कोच लगे हैं, जिसमें यात्रा का एक अलग आनंद मिलेगा। विस्टाडोम कोच में बैठकर आप अंदर से बाहर का नज़ारा आसानी से देख सकते हैं। इस ट्रेन में पारदर्शी छत होती है। यह ट्रेन गुजरात के केवड़िया में स्थित विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आने जाने के लिए यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो इसके विस्टाडोम कोच पूरी तरह से एसी कोच होते हैं, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होते हैं। इसमें शीशे बड़े एवं छोटे आकार के शीशे की छत, छत को छाया देने के लिए लगाए गए हनीकॉम ब्लाइंड्स, इंटीरियर वगैरह खास है। इसके अलावा इस कोच के यात्रियों के लिए आरामदायक सीट, मॉडर्न टॉयलेट और उच्च स्तरीय एलईडी लाइट की भी सुविधा दी गई है। इस कोच की सबसे खास बात यह है कि इनके छत पर भी कांच लगे होते हैं और साइड की खिड़कियाँ भी सामान कोच से काफ़ी बड़ी होती हैं। इनके दरवाजे भी काफ़ी हाईटेक हैं, जो ऑटोमेटिक हैं। कोच में फ्रिज, ओवन, यूसर कैंडल, हॉट केक जैसी सुविधाएं भी हैं, जो शायद पहले कभी ट्रेनों में नहीं थी। इसके अलावा यात्रियों को हाई वाईफाई की भी सुविधा दी जाएंगी। ट्रेन की सीटें 180 डिग्री घूम सकती हैं। 180 डिग्री घुमाने के साथ ही इनमें खाली स्पेस भी है, जहां खड़े होकर आप यात्रा कर सकते हैं। नए डिज़ाइन की विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्पीड के मामले में यह वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर है, जिसमें ट्रायल के वक्त 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ज़्यादा की गति प्राप्त की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अब स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए कई और वजह होंगी। सरकार का मानना है कि इसको पर्यटन के बढ़ावा देने के साथ ही पास के इलाकों में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और विकास को गति मिलेगी। सरकार का कहना है कि कोरोना संकट के बावजूद केवड़िया को रेल से कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। साथ ही केवड़िया रेल लिंक से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगी। आपको बता दें कि अब तक स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन के लिए यात्रियों को बड़ोदरा, रूद और अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना पड़ता था। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे करनाली, पोईचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी करेक्ट करेगी। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है और इस व्यवस्था के कारण जो आम तौर पर आध्यात्मिक गतिविधि के लिए यहां आते हैं उनके लिए तो बहुत ही
एक प्रकार था, ये बहुत बड़ी भेंट सौगात है।